प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था गति की अवस्था, विराम की अवस्था और सापेक्ष गति। इन सभी बिंदुओं के बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको बता चुका था और आज के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताने वाला हूँ गतियों के प्रकार कि गति कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो प्यारे छात्र एवं छात्राओं, जो गतियों के प्रकार होते हैं, विभिन्न प्रकार की गतियाँ होती हैं। जैसे कि आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, सरल रेखीय या रैखिक गति, सरल रेखीय या रैखिक गति। जब कोई वस्तु सीधी रेखा में सीधी मार्ग पर गति करती है तो उसकी गति को सरल रेखीय या रैखिक गति कहते हैं। तो प्रिय छात्रों, इसको कहीं कहीं रिज रेखीय भी कहा जाता है, रिज रेखीय गति के भी नाम से जानते हैं। जैसे सीधी सड़क पर चलती हुई कार की गति, पटरी पर चलती हुई रेलगाड़ी की गति, ये रिज रेखीय गति हैं, सरल रेखीय गति हैं। इनको हम सरल रेखीय गति के नाम से भी जानते हैं, रैखिक गति के भी नाम से जानते हैं। तो मैंने आप लोगों को फिर इसके बारे में बता देता हूं कि जब कोई वस्तु किसी सीधी रेखा में अपने सीधी मार्ग पर गति करती है तो उसकी गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। जैसे सीधी सड़क पर चलती हुई कार की गति, पटरी पर चलती हुई रेलगाड़ी की गति। और देखिए दो नंबर है, वक्र रेखीय गति या वृत्तीय गति भी होता है, वक्र रेखीय गति या वृत्तीय गति। जब कोई वस्तु किसी वक्राकार या वृत्ताकार मार्ग में गति करती है तो उसकी गति को वक्र रेखीय गति या वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे घड़ी के सुइयों की गति, घड़ी के सुइयों की गति, जो घड़ी की सुइयां गति करती है वृत्तीय गति है। और साइकिल के पहिए की गति, जो साइकिल की पहिए की गति है, पहिया भी वो वृत्तीय गति करता है अपनी धुरी पर। तो जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है तो उसके गति को हम क्या कहते हैं, वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे घड़ी के सुइयों की गति या साइकिल के पहियों की गति। फिर अगला है दोलन गति, दोलन गति। तो दोलन गति क्या है, जब कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर गति करता है उसकी गति को दोलन गति कहते हैं। जैसे दीवार घड़ी के पेंडुलम की गति, दीवार घड़ी के पेंडुलम की गति, झूले की गति, ये सभी क्या हैं, दोलन गति हैं। ठीक है, आगे देखिए, अगला है अनियमित गति।
तो अनियमित गति का अर्थ यह है कि जब कोई वस्तु अनियमित रूप से गति करती है, अनियमित मार्ग पर गति करती है, तो उसकी गति को हम अनियमित गति कहते हैं। जैसे गैस के अणुओं की गति, जो गैस के अणु होते हैं अनियमित गति करते हैं, या फूलों पर मंडराती हुई तितलियों की गति, तितलियां भी फूलों पर जो मंडराती हैं ये अनियमित गति करती हैं इत्यादि। तो आज का लेक्चर यहीं तक रहेगा, फिर मैं नए वीडियो के साथ आप लोगों से फिर अगले दिन मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।